रायपुर में युवा महोत्सव के समापन समारोह में सिंह भूपेश बघेल का अलग ही अंदाज देखने को मिला। सिंह भूपेश बघेल ने समापन के में बच्चों के साथ जमकर डांस किया, वहीं बच्चों ने भी सिंह बघेल के साथ अपनी नृत्य कला की शानदार प्रस्तुतियां दी। अहित है कि आप उनके बीच में आ रहे हैं। ये देखिए हमारे ये नौजवान है, कल के हमारे जिम्मेदार नागरिक है, इन्हीं के हाथों में प्रदेश और देश कहाँ जाना है और इनको उनके प्रतिभा उभरने का अवसर हमने दिया है और काफी उत्साहित है हमारे बच्चे, इनमें प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और इसीलिए हर साल 3 दिन का ऐलान किया है कि 3 दिन हर साल 12 से 14 तारीख तक युवा महोत्सव मनाया जाएगा और ये लगातार मनाया जाएगा। आप बोले हैं फोटो मिला था सिलेक्शन में वाजवाल ने लेना चाहते थे सर, लेकिन हम ले नहीं पाए सर। देखो मैंने किसी सेल्फी नहीं ली है, हाँ सर मैं खुद ले रहा हूँ तुम्हारी सेल्फी। देखो ये फर्स्ट प्राइज ऐसा हो गया ना। हाँ सर बिल्कुल सर, थैंक यू सर। व्यवस्था ठीक था? अब बहुत बढ़िया थी सर, दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, सारी चीजों से हम खुश हैं। बोलो धन तेजी से महिला की जय। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बच्चों के साथ बच्चे काफी उत्साहित हैं, पहली बार आयोजन हुआ है और सब यहाँ आके बहुत सारे बच्चे जो पहली बार रायपुर आए हैं उनकी खुशी का कोई और छोर नहीं है ये। लेकिन बच्चे सोच रहे थे कि अब 3 दिन बड़ा अच्छा माहौल था, फिर से घर जाना पड़ेगा, मिस कर रहे हैं बच्चे कई लोग। हाँ तो कार्यक्रम तो सीमित समय के लिए होता है। तो ये थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो दरअसल जिसके ये भौरा लगाई और मुख्यमंत्री जी को हाथ में जो दी हो, हाँ उनसे बातचीत की, तमाम लोगों से बातचीत, भावरा घुमा करके अपने लेकर के और मुख्यमंत्री जी के हाथ में ट्रांसफर करी हो। तो भावरा जो है दरअसल आमतौर पर लड़के खेलते हैं, अमजीत भगत ये बता रहे थे कि लड़कियां भी अब भावरा चलाती है और आज इसका मुजाहिरा भी किया एक लड़की ने, उसने भावरा चलाया जिसको मुख्यमंत्री के हाथ में उठा करके दिया। तो भावरा लगातार लोगों के बीच में बड़ा क्रेज बनाता जा रहा है। आप लोगों ने मुलाकात की सीएम से? मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई। अच्छा चलिए, कार्यक्रम कैसा रहा कुल मिलाकर? बहुत अच्छा लगा सर, हम लोग कांकेर जिले से आए हैं और यहाँ सभी जिले का कार्यक्रम देख के बहुत अच्छा लगा। और ये महोत्सव पहली बार हो रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, और अगले साल और होगा, हर साल होगा, तो हम लोग और अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। अभी तो फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा बहुत तैयारी करके आए थे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले साल हम लोग यहाँ से मेडल लेके जाएं और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। विजेंद्र सिंह जब शुरू हो रहा था कार्यक्रम तो उस वक्त उन्होंने एक नारा दिया था, या तो आप जीतेंगे या सीखेंगे। तो ये दिख भी रहा है कि उत्साह नहीं कमजोर हुआ है, भले ही वो हार गए हैं या फर्स्ट नहीं आ पाए हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि अगली बार जो गलतियां इस बार की है उसे सीखते हुए फिर से जीतेंगे। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता।